हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय संबंधित स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वो SOL के सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो है रजिस्ट्रेशन को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जो है रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, साथ में जो है आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल जो है SOL से कब मिलेगा, और साथ में जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो कब स्टार्ट होगा और इसका डेट शीट जो है कब रिलीज किया जाएगा। आज हम पूरे डिटेल में जो है इन्हीं सवालों के ऊपर में आज हम चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि SOL से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों SOL के बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में जो है मार्च में ओपन बुक के माध्यम से एग्ज़ाम दिया था, और एग्ज़ाम देने के ही बाद से ही जो है उनका जो है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जो है स्टार्ट हो चुका है। तो जिन छात्रों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर जो है स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने जो है तैयारी नहीं किया है तो आप जो है तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपको जो है इसका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है कि मई लास्ट तक जो है शुरू हो जाए, क्योंकि इसको लेके जो है हालांकि कन्फर्म डेट शीट जो है या फिर SOL का जो है टेंटेटिव डेट शीट भी जो है रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन जो DU का जो है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो रेगुलर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं उनका जो है टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दिया गया है, और उसमें जो है साफ साफ दिया हुआ है कि उनका एग्ज़ाम जो है वो 15 मई के बाद से स्टार्ट हो सकता है। यानी कि टेंटेटिव डेट शीट है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनका जो है 15 मई के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे छात्र हैं जो SOL के छात्र जो हैं इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन थे कि SOL का एग्ज़ाम जो है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का कब होगा। तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि ये जो है रेगुलर कॉलेज के साथ में ही होता है, यानी कि एक हफ्ता आगे या फिर पीछे। तो उम्मीद करें कि आपका एग्ज़ाम भी जो होगा वो सेकेंड सेमेस्टर का हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर का हो, वो मई लास्ट तक जो है या फिर 15 के बाद जो है आपका भी 15-20 तारीख के बाद जो है आपका भी जो है शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप जो है अभी से तैयारी कर दें। बाकी अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में या फिर सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो आप SOL के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in है, यहाँ पर आके आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सिलेबिया UG डाला हुआ है, इन सेमेस्टर की जो है सिलेबस डाला हुआ है हर एक कोर्सेज का। तो यहाँ से जो है आप डाउनलोड करके जो है आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, और यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर का भी जो है आप जब नीचे जाएंगे तो आपको जो है देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अलग अलग कोर्सेज का और अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ से जो है आप देख सकते हैं, चाहे वो BA प्रोग्राम हो, BCOM प्रोग्राम हो, BCOM ऑनर्स हो, पोल साइंस ऑनर्स हो, या फिर BA इंग्लिश ऑनर्स क्यों ना हो, सभी का यहाँ पे जो है सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लें। बाकी अब जो है स्टडी मटेरियल को लेके बहुत सारे छात्रों का सवाल है कि स्टडी मटेरियल जो है कब मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टडी मटेरियल जो है SOL की तरफ से जो है प्रिंटेड होना जो है बंद हो चुका है, यानी कि SOL जो है पूरी तरीके से बंद है। जब SOL खुला था तो हम जो है लास्ट समय जब SOL गए थे, विजिट किए थे, तो वहाँ पे जो है हमने जाके SOL प्रशासन से जो है SOL के टीचरों से जब हमने पूछा कि हमें जो है स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, SOL के जो है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं उन्हें जो है स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, या फिर थर्ड ईयर के छात्र हैं उन्हें स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, तो दोस्तों उनका जो है साफ साफ कहना था कि अब जो है स्टडी मटेरियल किसी को भी नहीं मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हो, सेकेंड ईयर के जो है फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हो, या फिर फाइनल ईयर के जो है एनुअल मोड के ही छात्र क्यों ना हो, किसी को जो है अब स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है स्टडी मटेरियल जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा है कोरोना वायरस के कारण, और इसी के कारण जो है अब उनके पास स्टडी मटेरियल है नहीं, तो इसलिए जो है वो दे नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो है आपको ऑनलाइन SOL के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आके जो है आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं UG स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है सेकेंड सेमेस्टर का भी जो है और फोर्थ सेमेस्टर का भी जो है और थर्ड ईयर का भी स्टडी मटेरियल जो है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे जो है सभी कोर्सेज का जो है स्टडी मटेरियल दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको जैसे हमने जो है यहाँ पे इंग्लिश का जो है सेलेक्ट किया है, और नीचे आके जो है आपको यहाँ पे ओपन का बटन दबाएंगे, ओपन करेंगे तो आपका जो है सब्जेक्ट जो है या फिर सिलेबस जो है स्टडी मटेरियल जो है डाउनलोड PDF होके जो है आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है डाउनलोड हो रहा है, तो यहीं से आपको जो है डाउनलोड करके पढ़ना है। बाकी अगर आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन बुक तो उससे भी, या फिर आपके आसपास जो है दुकान है तो वहाँ से भी जो है आप परचेज करें और पढ़ सकते हैं। बाकी आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही होगा, यानी कि ओपन बुक के माध्यम से ही होगा, तो आपको जो है उसी से तैयारी उसी हिसाब से जो है करना है।
तो इसलिए आप अगर परचेज कर सकते हैं तो परचेज करें, नहीं तो आप जो है वेबसाइट पर आके जो है यहाँ से डाउनलोड करके भी जो है तैयारी कर सकते हैं। बाकी अब जो है बहुत सारे छात्रों का यही भी सवाल था कि रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन जो है आपका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो बहुत सारे छात्रों का ये भी सवाल है कि रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है तो हमें सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा कि हमारा जो है क्या सब्जेक्ट है। तो दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेबस हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे सिलेबस जो है दिया हुआ है, तो यहाँ आप आके जो अपना सिलेबस जो है चेक कर सकते हो। बाकी आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही जो है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, यानी कि एग्ज़ाम से 10 दिन या 15 दिन पहले जो है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो ये जो है आप तब तक जो है आप इंतज़ार करें, बाकी तैयारी शुरू दे। अगर आपने जो सेकेंड सेमेस्टर का भी और फोर्थ सेमेस्टर का भी जो है तैयारी शुरू नहीं किया है तो आप जो है तैयारी शुरू कर दे, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू हो, ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी जो है चल रहा है, जो भी छात्र ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो वो जो है ज़रूर लें। बाकी और भी कोई सवाल है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है हमें कमेंट करके भी जो है पूछ सकते हैं, ताकि आपके सवालों का जवाब जो है हम आपको बता पाएँ। बाकी उम्मीद है कि आपको जो है सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और भी वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।